गाइज वेलकम करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। आज हम दो वॉचेस का कंपैरिजन करेंगे, दोनों ही कॉलिंग वॉचेस हैं और दोनों ही क्रॉसबी की तरफ से आती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, एक आपका स्क्वायर डायल में मिलती है और एक सर्कल डायल में मिलती है, और दोनों का ही जो प्राइसिंग है थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों की बेस्ट बेलिंग मैं अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप कूपन को ग्रैब कर सकते हो। और ये तो अभी ऑर्बिटेक्स तो हाल फिलहाल में ही आई है, और इग्नाइट S4 जो है उस पर आपको कैशबैक मिल जाएगा, और इस पर भी आपको इंस्टेंटली 1000 रुपीज़ का कैशबैक मिल सकता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले ओवरऑल जो लुक एंड बिल्ड है डेफिनेटली दोनों का ही प्रीमियम है। और ये चीज़ कहना चाहता हूँ आप सभी से कि अगर आपको एक कॉलिंग वॉच चाहिए तो मतलब डेफिनेटली यहाँ पे आप चूज़ ऑन कर सकते हो, बट अगर आपको स्क्वायर डायल में कॉलिंग वॉच चाहिए तो आप इग्नाइट S4 को देख सकते हो। और सर्कुलर डायल में चाहिए आपको जो कि रोटेटेबल क्राउन के साथ, तो आपको ऑर्बिट एक्स के लिए जाना चाहिए। तो इस कंपेरिजन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। डिस्प्ले की बात करेंगे सबसे पहले, तो डिस्प्ले कहीं ना कहीं मैटर करती है जब आप वॉच को बाय करते हो। तो S4 में आपको 3D कर्व डिस्प्ले मिलती है 1.8 इंचेस की, और ऑर्बिट एक्स में AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेटर है। पंची कलर्स हैं, डीप ब्लैक्स है, और साथ में कलर एक्यूरेसी बहुत ही बेटर है। 454x454 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिल जाता है, तो यहाँ पे ऑर्बिट एक्स बहुत आगे निकल जाती है S4 से। ऑलवेज ऑन का फीचर दोनों में मिल जाता है, और रेस्ट वेक भी दोनों में मिल जाता है। तो यहाँ पे S4 में भी आपको ऑलवेज ऑन का फीचर मिलता है, बट कुछ टाइम के लिए। मेरे ख्याल से ऑल टाइम आप इसमें ऑन नहीं रख सकते, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है, 20 या 25 मिनट्स तक के लिए आपको मिल जाता है। बट ऑर्बिट एक्स में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के कुछ वॉच फेसेस भी अवेलेबल हो जाएंगे। 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया दोनों में ही, पर प्रोडक्शन कौन सा एक्जैक्टली कंपनी ने नहीं बताया। यहाँ पे अगर हम शार्पनेस की बात करें तो S4 में ज़्यादा शार्प आपको दिखने को मिलने वाली है एज़ कम्पेयर टू ऑर्बिट एक्स, बट ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है बहुत ज़्यादा। साइड बाय साइड आप रखते हो तो दोनों में ही आपको सिमिलरिटी दिखेगी। अप टू 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है S4 में, एज़ कम्पेयर टू ऑर्बिट एक्स में 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में स्लाइटली बेटर परफॉर्म करती है दोनों ही वॉचेस। यस, दोनों ही वॉचेस अच्छा परफॉर्म करती है डिस्प्ले के मामले में। अब बात आती है यहाँ पे वॉच फेस, तो क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप लगा सकते हो, गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। लाइव वॉलपेपर का सपोर्ट भी अवेलेबल हो जाता है, अपने पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं दोनों ही वॉचेस में। फिटनेस ट्रैकिंग की बात हम करें तो यहाँ पे आपको ऑर्बिट एक्स में ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, 5 स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा मिलते हैं, और एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। IP67 की रेटिंग मिलती है क्योंकि माइक और स्पीकर का वेंट है तो पानी जा सकता है, तो यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता कि आप पानी में लेके जाओ वॉच को। और डीप स्विमिंग के लिए नहीं बनी है, और आप पानी में डायरेक्टली लेके नहीं जा सकते, ख़राब हो सकती है। आगे बात आती है यहाँ पे एक्यूरेसी की, तो S4 में 75% टू 80% तक की एक्यूरेसी मिल जाती है, ऑर्बिट एक्स में आपको 85% तक की एक्यूरेसी मिल जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर बात करें एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ड सेंसर, जायस्कोप सेंसर देखने को मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। BP मॉनिटर का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, कॉलर आईडी, कॉल कट म्यूट कर पाओगे, कॉल प्रॉपर्ली डायल कर सकते हो, नंबर्स को कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो, डायल पैड मिल जाता है आपको, स्पीकर माइक का सपोर्ट मिल जाता है, तो प्रॉपर्ली कॉलिंग वॉच ही आपकी बन जाती है। 60-70% काम आप वॉच में ही कर सकते हो। फुल टच पैनल है, स्मूथ है, स्टटर लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा, अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, कैलकुलेटर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो ऑर्बिट एक्स में 5.2 मिलता है जो कि स्लाइटली बेटर है S4 से। कनेक्टिविटी इशूज़ यहाँ पे रिजॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, S4 में स्लाइटली आपको इशू हो सकता है। फाइंड माई वॉच, कैमरा शटर, म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाता है, और उसी के साथ साथ म्यूजिक ऑन द वॉच भी आप देख सकते हो। आगे बात आती है एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर पाओगे, वियर फिट प्रो एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है और दोनों से ही आप पेयर कर पाओगे। अब बात आती है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती है, 128 MB इंटरनल मेमोरी और 64 MB ऑफ रैम मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। बट यहाँ पे एक इशू लगा मेरे को, TWS पेयरिंग का ऑप्शन देना चाहिए था इनको, वो नहीं दिया है, तो वो मेरे को फ्लॉ लगा। और टिपिकल UI मिलता है, कस्टम UI दोनों में ही, मतलब एक स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी मिल जाता है आपको S4 में, और जो कि बहुत ही बेटर लगा मेरे को। और यहाँ पे लिस्ट ग्रिड वाला मेन्यू भी मिल जाता है, 3 से 4 मेन्यू आपको मिल जाते हैं। ऑर्बिट एक्स में रोटेटिंग मेन्यू भी मिल जाता है आपको, ड्यूल बटन कंट्रोल मिलता है ऑर्बिट एक्स में, और S4 में आपको सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है, और गेस्चर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो, क्राउन का भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें, तो क्राउन वर्किंग है। और बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप, तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी जो है वो S4 की 320 mAh है, और ऑर्बिट एक्स की कंफर्म नहीं हो अभी मैं, क्योंकि बताया नहीं है ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो हम मान के चल रहे हैं 280 mAh हो सकती है। 2 घंटे दोनों ही वॉचेस फुल चार्ज होने में लेती है, 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम फ्री प्रोवाइड कर देती है, 7 डेज़ का रन टाइम क्लेम किया गया ऑन द पेपर। मैग्नेटिकली चार्ज हो सकती है दोनों ही वॉचेस, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि 15 से 18 वॉट के चार्जर से चार्ज करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे ऊपर इशू हो सकता है अगर आप वूक चार्जिंग या मतलब फास्ट चार्जिंग यूज़ करते हो। एक्चुअल यूज़ की बात करो तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके आपको 6 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाएगा ऑर्बिट एक्स में, S4 में 3 डेज़ का बताया, बट कॉलिंग वॉलिंग अगर आप ऑन रखते हो तो यहाँ पे 2 दिन तक चल जाएगी, 1.5 से 2 दिन, आपके यूज़ पैटर्न पर डिपेंड करता है, यहाँ पर मैं क्लेम नहीं कर सकता। मेन फीचर्स की बात करें तो HR मॉनिटर दोनों मिल जाता है, SP2 लेवल मॉनिटर मिल जाता है, मेट डाटा आप देख सकते हो S4 में, प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है, PP मॉनिटर मिल जाता है, मेट डाटा ऑर्बिट एक्स में भी देख सकते हो, तो सारे के सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, और गाइस कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी है। एक्यूरेसी मैं बता चुका हूँ स्लाइटली बेटर है ऑर्बिट एक्स की एज कम्पेयर टू S4। सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, और गाइस ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी देखने को मिल जाता है फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग के ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पे मेन फीचर्स के मामले में दोनों में ही अच्छा काम किया गया।
अब आती है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी दोनों की टॉप नॉच है। यहाँ पे एल्युमिनियम केसिंग है, बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है। वॉच का जो वेट है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलने वाला है दोनों ही वॉचेस में। और साथ में अगर हम बात करें स्ट्रैप साइज की, तो S4 का मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता, बट ऑर्बिट एक्स में 22mm का स्ट्रैप मिल जाता है आपको। TPU स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है दोनों में ही, तो सिलिकॉन होता तो और यूजर फ्रेंडली होता। एक्चुअल यूज़ की बात करो तो मतलब बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो एल्युमिनियम केसिंग है, बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी में दोनों में ही टॉप नॉच काम किया गया, बेटर काम किया गया। अब आती है प्राइसिंग की बात, अमेजोन या फ्लिपकार्ट किस पे अवेलेबल है, तो गाइज अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। आप ग्रैब ऑन कर सकते हैं S4 को, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप टेक्पो के साथ कूपन कोड यूज़ करते हो, तो 5224 रुपये की पड़ जाएगी। ऑर्बिट एक्स अभी लॉन्च प्राइस पे चल रही है, वो 1000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो 6000 रुपीज़ की आपको मिल जाती है। ओवरऑल कौन सी बेटर है, देखिए अगर आपको सर्कुलर डायल में चाहिए तो थोड़ा सा आपको बेटर रहेगी यहाँ पे ऑर्बिट एक्स। इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले भी मिल जाती है, शार्पनेस बेटर है यहाँ पे, और सारे के सारे फीचर्स S4 की तरह ही हैं आपके। स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन सब कुछ S4 में आपको मिल जाता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे मेन्यू भी आपको अलग अलग मिल जाते हैं। अगर आप iWatch के फैन हो तो आप S4 की तरफ जा सकते हो। कॉल क्वालिटी की मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। कॉल क्वालिटी दोनों की अबव एवरेज मिल जाती है आपको, नॉइजी एनवायरनमेंट में, खासकर रूम एनवायरनमेंट में कोई इशू नहीं होने वाला आपको। और लाउडनेस ऑलमोस्ट दोनों की सिमिलर है, ऑर्बिट एक्स की स्लाइटली ज़्यादा है लाउडनेस, और डिस्प्ले क्वालिटी तो ऑर्बिट एक्स की ही स्ट्रेट डाउन विनर है। तो यहाँ पे मेरा वोट जाता है ऑर्बिट एक्स को, क्योंकि मेरे को सर्कुलर वॉच ज़्यादा पसंद आती है। S4 भी अच्छी है, क्योंकि अगर आपको आई वॉच की तरह चाहिए वॉच तो S4 की तरफ आप जा सकते हो। फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट एक्यूरेसी आपको स्लाइटली बेटर चाहिए तो ऑर्बिट एक्स आपके लिए हो सकती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करना मत भूलिएगा, ग्रैब ऑन कर सकते हो, 1000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट, और आप ग्रैब ऑन कर सकते हो ऑर्बिट एक्स। और ऑफिशियल वेबसाइट से आके S4 भी आप ग्रैब कर सकते हो, टेक्पो के कूपन कोड यूज़ करते हो। तो गाइस ये था मेरा एक डीप डाउन कंपैरिजन क्रॉसबीट इग्नाइट S4 वर्सेस क्रॉसबीट ऑर्बिट एक्स के लिए। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ रहता है, या किसी और वॉच के साथ कंपैरिजन चाहिए, तो आप ज़रूर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।